आगे देखिए, उदाहरण दो दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक दो क्यू के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक दो क्यू प्लस एक के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। यहाँ मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक तथा बी बराबर हम दो मान लेते हैं। अब यदि हम किसी धनात्मक पूर्णांक ए को दो से भाग दें तो कोई भागफल क्यों आएगा और कोई शेष आर आएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हम दो से भाग देते हैं तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर हम लगाएं तो ए बराबर 2q प्लस आर। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर 2q प्लस आर, जहाँ आर बराबर 0 या 1। इसलिए ए के संभव मान, ए के संभव मान कौन कौन से हो सकते हैं? 2q, क्योंकि आर को पहले हम 0 लेते हैं, तथा यदि आर को 1 लेते हैं तो 2q प्लस 1। यहाँ से अब दो केस एग्जिस्ट होते हैं, या तो ए बराबर 2q होगा या दो 2q प्लस 1 होगा। यदि ए बराबर 2q है तो यह एक सम संख्या होगी। सम संख्या क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर 2a के गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ 2a के गुणनखंड है। अब साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। आगे है उदाहरण 3। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। मान लेते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और तथा बी बराबर 4 मान लेते हैं। तो यदि हम ए को 4 से भाग दें तो कोई भागफल क्यू आएगा और कोई शेष आर आएगा। तो हमें पता है कि आर हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, इसलिए आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन ये 4 से हमेशा छोटा रहता है। तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ए बराबर 4q प्लस आर, जहाँ आर बराबर 0, 1,
दो या तीन, ये आपने रफ कार्य करना है। इसलिए ए के संभव मान कौन-कौन से हो सकते हैं? 4q, यदि r बराबर 0 लेते हो तो 4q होगा, यदि 1 लेते हो तो 4q प्लस 1, 2 लेते हो तो 4q प्लस 2, और 3 लेते हैं तो 4q प्लस 3। लेकिन यदि हम यहाँ से दो मान देखें, 4q और 4q प्लस 2, इन दोनों में ही दो एक गुणनखंड है, जैसे 4q को हम लिख सकते हैं 2 × 2q, और 4q प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 × 2q + 1। तो यहाँ देखिए दो दोनों में एक गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे, चूंकि या क्योंकि भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह है 4q या 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों दो से विभाज्य है, क्योंकि दोनों दो से विभाज्य है, इसलिए जब ये इस रूप का नहीं हो सकता तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। आगे उदाहरण 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? अब यहाँ देखिए कि ढेरियाँ बर्फी की प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरें। न्यूनतम स्थान घेरने के लिए ढेरियों में बर्फियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। तो ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हम 420 और 130 का HCF ज्ञात करें। यहाँ हम लिखेंगे कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 420 और 130 का HCF होगी। तो यहाँ देखिए हम 420 और 130 का HCF ज्ञात करेंगे। 130 दिए 390, तीस चौके 120, अब शेष फिर 0 नहीं है तो फिर यूक्लिड विभाजन पर मैं का लगाएंगे, 10 दिए 30। तो अब शेष क्योंकि 0 आ गया है और इस स्टेज पर भागफल क्या है, 10, तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। चलो तो आइए इसको लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, आइए इसको लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। 420
बराबर 130 गुणा 3 प्लस शेष 30। चार सौ बीस बराबर 130 गुणा 3 प्लस 30। 420 बराबर 130 गुणा 3 प्लस 8। अब यहाँ पर आर जीरो नहीं है, इसलिए फिर से 130 बराबर 30 गुणा 4 प्लस 10। फिर देखिए आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर लगाएंगे कि 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस 0। अब यहाँ पर देखिए कि आर जीरो हो गया है, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 10 होगा, इसलिए एचसीएफ हो 420 एंड 130 बराबर 10। अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या।